ये मैं चित्तौड़गढ़ महाराणा प्रताप म्यूजियम में आया हुआ हूँ। पुरानी चीज़ों को आपको दिखा सकता हूँ। और कहा जाता है कि ये राजपूतों का एक ठिकाना माना जाता है। अगर आप राजपूत हैं और यहाँ नहीं आते हैं तो आप राजपूत हैं नहीं हैं ऐसा माना जाता है लोगों का, क्योंकि ये वीरों की धरती। मैं चित्तौड़गढ़ के म्यूजियम का वो तलवारें दिखा रहा हूँ जो युद्ध में यूज की गई थी, आज भी वो रखी हुई हैं, आप देख सकते हैं इनको। और भी चीज़ें हैं, देखिए। वास्तव में चित्तौड़गढ़ एक इतिहास को दोहराता है और बताता है कि वास्तव में ये यहाँ पे कुछ ऐसा था। ये देखिए तब की बंदूकें हैं जो यूज की गई थी युद्ध में। तोड़े तार बंदूकें इनका नाम है, तोड़े तार बंदूकें। बंदूकों की नाल है जिसे आप देख पा रहे हैं। तोड़े तार बंदूक, काफी कुछ। क्या खूब है राजा महाराणा प्रताप। कितनी लंबी लंबी उनका नाम ही टोपी तार बंदूकें हैं। इतिहास से जुड़ा हुआ यह भी एक पन्ना है। देखिए इधर राइफल्स हैं। जॉर्ज हमारे पुलिस वालों को 303 है साइड में, 303 जो आज हमारे पुलिस वालों के पास होती है। ये बंदूक 303 है लास्ट में जो आपको दिख रही है, ये हमारे पुलिस वालों के पास भी देखने को आपको मिल जाएंगे। देख सकते हैं तब की रिवाल्वरें हैं जो यूज की जाती थी, खास करके आपने ये वाली मूवियों में देखी होगी, ऐसी रिवाल्वर मूवी में देखी होगी। और नॉर्मल ये सब तो आप लोगों को देखने को मिल जाता होगा, अपने यहाँ भी हैं लोगों के पास। ये देखिए बंदूक की नाले हैं, बैरल्स ऑफ बंदूक हैं, बंदूक की नाले हैं। क्या गजब